पे ब्रेक लगा बाजीराव, तेरी कुंडली मेरे हाथ में है। तब तेरा सामना सिर्फ विश्वास और पुलिस वालों से हुआ है। जिस दिन तेरा सामना एक सच्चे पुलिस ऑफिसर से हो जाएगा ना, पैंट गीली हो जाएगी। हिंदुस्तान ने मेरी किस्मत बदली, अब मैं हिंदुस्तान की किस्मत बदलू। हमारी ड्यूटी मुजरिमों को पकड़ने की है, उसके लिए पावर या फोर्स की जरूरत नहीं। बाजी से ढक ली है, तो दोस्तों डायरेक्टर रोहित सेठी की कॉप यूनिवर्स की आखिरी मूवी हमें देखने को मिली थी सूर्यवंशी, जिसमें अक्षय कुमार लीड रोल में नजर आए थे। साथ ही साथ सिंघम और सिम्बा यानी कि अजय देवगन और रणवीर सिंह मूवी में कैमियो रोल में नजर आए थे। ऐसे में कॉप यूनिवर्स की अगली जो मूवी देखने को मिलने वाली है वो है सिंघम 3, जिसका टाइटल रखा गया है सिंघम अगेन। ये मूवी हमें 15 अगस्त 2024 में सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। तो वही मेकर्स की तरफ से अक्षय कुमार का फर्स्ट लुक रिवील कर दिया गया है, जिसमें अक्षय कुमार जबरदस्त एक्शन करते हुए देखने को मिल रहे हैं। इस बार भी अक्षय कुमार एक बार फिर से हेलीकॉप्टर से नीचे छलांग लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर उनके दोनों हाथ में बंदूक देखने को मिल रही है। साथ ही दोस्तों इससे अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि वीर सूर्यवंशी एक बार फिर से सिंघम अगेन में धमाल मचाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो वही अजय देवगन ने अक्षय कुमार का फर्स्ट लुक शेयर करते हुए लिखा कि मना किया था फिर भी हेलीकॉप्टर से आया मेरा दोस्त सूर्यवंशी। इसके अलावा अक्षय कुमार ने अपना फर्स्ट लुक शेयर करते हुए लिखा आयला रे आयला सूर्यवंशी आयला। वहीं आपको बता दें मूवी में मेन लीड रोल में अजय देवगन देखने को मिलेंगे और इनके साथ साथ अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ और दीपिका पादुकोण नजर आने वाली हैं। तो दोस्तों आप सब सिंघम अगेन के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।